हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स जंक्शन। दिस इज लोकेश, लोकेश चाहर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। देखिए, आपको पता है कि जब भी दो चार्ज को एक दूसरे के पास में रखा जाता है तो उनके बीच में रिपल्शन या फिर अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं देन उनके बीच में रिपल्शन फोर्स लगेगा, अगर दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हैं देन उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। लेकिन ये जो अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लग रहा है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इस मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए हम हेल्प लेते हैं कूलम्ब्स लॉ की। इसका स्टेटमेंट देखिए, द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एनी टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर अपने पास दो चार्ज है Q1 एंड Q2 और इन दोनों को स्मॉल r डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो इन दोनों चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो किसके इक्वल होगा। यहां से देखिए, द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एनी टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ द चार्ज, इन दोनों चार्ज के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 इनटू Q2। और फिर ये क्या बोल रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। देन एफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसकी स्क्वायर के। देन आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं कुछ यूं लिखूं तो अपन ये लिख सकते हैं। अच्छा, अगर यहां से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल मैं हटाता हूं देन यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा। इस कांस्टेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε0 या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इसकी 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ये तो के की वैल्यू आ गई, पर इस के की वैल्यू में एक वर्ड आया एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो रहती है 8.85×10⁻¹2 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये है आपका कूलम्ब्स लॉ। आपने कंप्लीट समझा, जब भी दो चार्ज के बीच में जो भी अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लगता है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए अपन कूलम्ब्स लॉ का यूज करते हैं।